हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। के आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं एक समरी जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, या अपने ओड टू ब्यूटी के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गया है। अब कई आपको और भी देखने को मिलेंगी जो कि ओड टू ब्यूटी एक और हम कह सकते हैं पोइट की है। तो ये जो ओड टू ब्यूटी है, इसको हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि ओड टू ब्यूटी का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में अपने एड्रेस करके सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब एक ऐसी चीज जो कि ब्यूटी को बताती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए ग्रीक लीजेंड हैपेंस टू बी द बेसिस फॉर ए थिंग ऑफ ब्यूटी समरी। तो एक कोई ग्रीक लीजेंड हुआ है, ग्रीक राजा हुआ है, वो बताता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है। इन दिस ग्रीक लीजेंड ए यंग शेफर्ड, जो व्यक्ति है वो क्या है, एक यंग शेफर्ड है, मतलब कि एक गडरिया है या चरवाहा है जो कि भेड़ों को चराता है। वो ग्रीक लीजेंड वो क्या करता है, बाय द नेम ऑफ एंडिमियन, उसका नाम क्या है, एंडिमियन है, और उसका एक विजन है किसके प्रति, सिंथिया के प्रति। सिंथिया कौन है, सिंथिया द मून्स गोडेस, चंद्रमा की देवी। तो वो कहता है कि चंद्रमा की देवी जो है उसके प्रति उसका कुछ एक विचार है, उसको वो सुंदर बताता है। दिस यूथ मेक्स ए रेजोल्यूशन टू गो आफ्टर हर, और वो उसका पीछा करने को कहता है कि मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ, एंड सीक हर, और मैं उसे एक तरीके से क्या करना चाहता हूँ, हम कह सकते हैं प्राप्त करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ। इन दिस क्वेस्ट, और इसी क्वेश्चन के थ्रू या इसी चक्कर में, ही वांडर्स थ्रू द फॉरेस्ट अंडर द सी, इसी कारण वो जंगलों में और समुद्र के आसपास या समुद्र के अंदर इसी कारण वो भटक रहा है। ये बात होती है यहाँ तक की। उसके बाद में इन द पोइम, इस पोइम के अंदर अब पोइट बता रहा है, द ब्यूटीफुल थिंग ब्रिंग इमेंस प्लेजर एंड डिलाइट, मतलब कि कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज उसे क्या है, खुशी देती है। प्लेजर का मतलब आनंदित करती है, डिलाइट मतलब खुशी देती है, इन दोनों का मीन सेम है क्योंकि सिनोनिम है। तो ये हमें खुशी देती है, आनंदित करती है। फर्दर मोर द पॉइंट एक्सप्लेन दैट गॉड्स क्रिएशन प्रोवाइड हैप्पीनेस एज वेल एज एनर्जी, और भगवान ने जो भी क्रिएशन किया है वो हमें क्या है, बहुत ज्यादा आनंदित करती है, खुशी प्रदान करती है, जैसे कि वो हमें क्या है, एक ऊर्जा दे रही हो जो कि काम करने के लिए दी जाती है। द थिंग्स प्रेजेंट ऑल अराउंड प्रोवाइड अस प्लेंटी ऑफ रीजन टू फील हैप्पी, और हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमें क्या प्रदान करती हैं, वो हमें एक तरीके से खुश होना का रीजन प्रदान करती हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। मोर ओवर द ब्रेव सोल्जर्स, और जो पुराने हम कह सकते हैं या बहादुर जो सैनिक है उनकी हमें कहानियां सुनने को मिलती है। स्टोरीज ब्रिंग इंस्पिरेशन, वो हमें क्या है, इंस्पायर करती है आगे काम करने के लिए। इंथ्यूजम टू द लव ऑफ लाइफ या लव लाइफ, मतलब क्या, हमें अपने जीवन को प्यार करना चाहिए, हमें अपने जीवन के अंदर जो भी काम कर रहे हो उसे सही ढंग से करना चाहिए। ब्यूटी इज ए हेवनली, ब्यूटी को यहाँ पे एक स्वर्ग की चीज बताया गया, या स्वर्ग का एक टॉनिक बताया गया, दवाई के रूप में बताया गया। फर्दर मोर इट इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, और ये क्या है, एक ऐसा एंडलेस फाउंटेन है जो कि कभी खत्म नहीं होता, फवारा ऑफ नेक्टर, नेक्टर का। ठीक है, ऑल्सो ब्यूटी कैन कम इन वेरियस फॉर्म्स, और ब्यूटी जो है वो अपने पास अलग अलग तरीके से आती रहती है, बस तुम्हें इंजॉय करना आना चाहिए। ब्यूटी गिव अस गुड हेल्थ एंड रिमूव्स सैडनेस फ्रॉम आवर लिव्स, तो ब्यूटी जो है वो हमारी जिंदगी से किसे रिमूव करती है, दुख को, और हमें एक अच्छा क्या हेल्थ देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है, फ्रॉम आवर लिव्स, हमारी जिंदगी में, रिजल्टिंग इन एवर लास्टिंग जॉय, और हमें पूरे टाइम क्या है, एक आनंदित टाइम या आनंदित समय बिताने को मिलता है। तो ये अपनी पूरी समरी, और अगर आपको कोई डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर या चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू।